और कांग्रेस में जारी घमासान के बीच अब निगाहें दिल्ली दरबार पर टिक गई हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक एक करके सभी बड़े नेताओं से कर रही हैं मुलाकात। राजस्थान संकट समेत पार्टी अध्यक्ष के मुद्दे पर भी मंथन जारी है। नई मुश्किलों से जूझ रही कांग्रेस ने राजनीति से रिटायर हो चुके पार्टी के सीनियर लीडर एके एंटनी को याद किया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज एंटनी से मुलाकात करने वाली हैं। 81 वर्षीय पूर्व रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके एंटनी इसी साल मार्च में सियासत को अलविदा कहकर केरल लौट गए थे। एंटनी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उनकी साफ सुथरी छवि की बदौलत पार्टी के अन्य नेता भी उनका काफी सम्मान करते हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने राजस्थान संकट पर सलाह लेने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया है, साथ ही अध्यक्ष पद के नाम पर भी चर्चा करेंगी, क्योंकि राजस्थान के इस पूरे घटनाक्रम ने गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि एके एंटनी को अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि खुद एंटनी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज कर चुके हैं। वहीं पार्टी आलाकमान कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा और कुछ अन्य नामों पर भी विचार कर रहा है। कमलनाथ ने सोमवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी।